सभी दोस्तों, सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों, मेरा और आपका परिचय तो काफ़ी पुराना है। मैं एक रंगकर्मी, थिएटर कलाकार हूँ और मेरा संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल कर रहा हूँ फिल्मों में आने के लिए। कई फिल्म प्रोडक्शनों पर रिज्यूम, फोटो वगैरह पहुँचाता रहता हूँ व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से। और मैं क्या एक कलाकार हूँ थिएटर, तो मैं आपको एक डायलॉग सुनाना चाहता हूँ, आप चाहें तो सुन सकते हैं। खामोशियों में भी आवाज़ हुआ करती है, एक बुलबुल की आरजुएं परवाज हुआ करती हैं। हर कोई ताजमहल को तामिल नहीं करा सकता है, लेकिन उसको बनाने की ख्वाहिश हर आम और खास की होती है, क्योंकि वो बड़ा महंगा बनता है, इसलिए कोई बना नहीं पाता। तो मैं आप सभी दोस्तों से यह निवेदन करूँगा, आप अपना कर्म करें, सच्ची लगन से मेहनत करें, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और किनारों से डर के कभी नदी पार नहीं होती। इसलिए आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे और अपना कर्म जितना बड़ा करोगे, ईमानदारी पूर्वक कर्म करोगे, मेहनत करोगे, तो निश्चित ही आपकी दुनिया की कितनी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, उससे ही बड़ी बिल्डिंग आप बना सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कर्म प्रधान है। और कर्म आपको चुनना है, आपको किस काम में रुचि है, आप जिस काम में आपका मन लगता है आप वही करें, मगर अपना आपका जो मेन काम धंधा उससे मुँह ना मोड़ें, उसको भी करते रहें। और जहाँ भी फिल्मों के ऑडिशन होते हैं, वहाँ पर अपने रंगकर्मी भाई ऑडिशन दें, तो निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी। मान लो कोई फिल्म डायरेक्टर 10 ऑडिशन लेता है, उसमें से आपको 9 में रिजेक्ट कर देता है, एक में तो आप पास हो ही जाओगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो ना उस क्षेत्र में, उसमें पर भगवान भी आपकी सहायता करेंगे। तो इसलिए आपका मेन काम धंधा आप करते रहें, उससे मन ना चुराएं, और आपकी जो मन में इच्छा है, जो भी आप फिल्म एक्टर वगैरह बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं, उसमें ऑडिशन देते रहें। ठीक है, आप सभी दोस्तों को मेरा फिर से नमस्ते, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बाय दोस्तों।